टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। प्याज की खेती महाराष्ट्र के किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसान सरकारी अनदेखी और व्यापारियों के बनाए जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनकी मेहनत का फायदा किसी और को मिल रहा है। 15 से 18 रुपए किलो की उत्पादन लागत आ रही है, जबकि इस साल उन्हें कभी 2-4 रुपए किलो तो कभी 10 रुपए तक का प्याज का भाव मिल रहा है। किसान सरकार से सवाल कर रहे हैं, घाटे में फसल बेचकर आय कैसे डबल होगी, ये बात उन्हें सरकार ही समझा दे। साथ ही बता दे कि देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राष्ट्र महाराष्ट्र है और इस साल यहां के किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन ने 16 अगस्त से आंदोलन करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों की समस्या इस साल बढ़ते ही जा रही है। किसानों का कहना है कि समय बीतने के साथ सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन प्याज का भाव लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है। राज्य में पिछले 5 से 6 महीने में प्याज के रेट में गिरावट जारी है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोला का कहना है कि किसानों को प्याज की कीमत कम से कम 25 से 30 रुपए किलो मिले, तब जाकर कुछ हालात सुधरेंगे। अच्छा दाम न मिलने के खिलाफ 16 अगस्त से प्रदेश की मंडी समितियों में प्याज की आपूर्ति नहीं होने दी जाएगी, किसानों की हड़ताल रहेगी। वहीं प्याज उत्पादक किसान अब सरकार से सीधे सवाल कर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। दिगोला का कहना है कि किसान संघ की तरफ से सरकार प्याज उत्पादकों की समस्या को अनदेखा कर रही है, किसानों को कम दाम की समस्या से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी मांग है कि सरकार प्याज की उत्पादन लागत चेक करवाकर उसका न्यूनतम दाम फिक्स करे। न्यूनतम दाम की गारंटी के बिना किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 317 लाख टन से ज़्यादा प्याज का उत्पादन हो चुका है। ये उत्पादन पिछले साल की तुलना में 51 लाख टन अधिक है। कुछ लोगों का मानना है कि इस वजह से मंडियों में आवक ज़्यादा है, जिसकी वजह से दाम कम है। हालांकि किसानों का कहना है कि दाम सरकारी नीति और व्यापारियों की वजह से कम है। व्यापारी 2 रुपये से 5 रुपये तक किलो पर प्याज खरीद कर देश के अलग अलग हिस्सों में 40 रुपये तक बेच रहे हैं। दिगोला का कहना है कि क्या कभी सरकार पूछती है कि इतना बेहिसाब मुनाफा क्यों कमाते हो। फिलहाल किसानों ने तय किया है कि वो 16 तारीख से आंदोलन करेंगे, मंडियों में प्याज नहीं जाने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।